कोरोना वायरस को लेकर के इस वक्त स्थिति बहुत ख़राब चल रही है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में भी सुर्खियां, अखबारों के सुर्खियां भी कुछ यही कह रही हैं कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी पिछले 24 घंटे में 3 और पॉजिटिव निकल के आए हैं, यानी कि कुल संख्या मरीजों के 5 से 6 बताई जा रही है। अब ऐसी विकट स्थिति में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो उन लोगों की मदद कर रहे हैं जो लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और उनकी मूलभूत जो भी सुविधाएँ हैं वो उनसे उनको अवगत करा रहे हैं। मेरे साथ हैं ऐसे ही एक व्यक्ति, इनका नाम अरविंद राय इनका नाम है और एल्डरमैन है। आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि क्या क्या सुविधाएं हैं लोगों की, और इस ऐसे हालात में, ऐसे नाजुक वक्त में भी ये लोग जो अपने वार्ड का मसीहा बने हैं। ये ऐसी स्थिति है, भयावह स्थिति है, जिससे पूरा हमारा देश ही नहीं पूरा विश्व इससे जूझ रहा है। उसमें हमने अपने एरिया में, जो हम कैम्प क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो कैम्प क्षेत्र घनी आबादी वाला क्षेत्र है। यहाँ पे श्रमिक लोग रहते हैं जिन जो रोज़ काम करते हैं और खाते हैं। इसको देखते हुए हमने ये पहल की कि उनके पास हम खुद स्वयं घर घर जाके मास्क एवं जो ज़रूरत सब्जी एवं खाद्य पदार्थों का वितरण किया, एवं सैनिटाइज़र जो कि बहुत ही कम मात्रा में स्टोर पे उपलब्ध था, उसको भी ज़रूरतमंदों को दिया। ऐसा बताया जा रहा है कि हर वार्ड में 3-3 लोगों को वॉलंटियर्स बना करके और वहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे अवगत कराने के लिए आगे किया जा रहा है, या उनकी जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं उनके लिए उनको प्रेरित किया जा रहा है। तो क्या ऐसा माननीय विधायक महोदय देवेंद्र यादव जी और महापौर हमारे देवेंद्र यादव जी ने ये पहल कर चुके हैं। उन्होंने बल्क में 15 अपनी महापौर निधि से 15 लाख रुपए का सैनिटाइज़र एवं 5 लाख मास्क का व्यवस्था कर रहे हैं, जिससे हर वार्ड में हम उसको दे सके। आने वाले दिनों में हर वार्ड में देंगे और हर वार्ड में तीन वॉलंटियर का हम कोशिश कर रहे हैं, जिससे जो जिनके घर में कोई नहीं है, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, उन तक ज़रूरत की चीज़ें पहुंच सके, और जो ज़रूरतमंद है, जिसको मतलब इस स्थिति में जिसको भी ज़रूरत पड़ेगी वो हम तक कांटेक्ट कर सकता है, हम उस तक पहुंचेंगे। उनको घर से निकलने की आवश्यकता नहीं है। हम अपील करना चाहेंगे कि कोई भी व्यक्ति घर से ना निकले, क्योंकि घर से निकलेंगे तभी कांटेक्ट में आएंगे, और लोगों के कांटेक्ट में आने से ही ये वायरस फैल रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में रहें और सुरक्षित रहें। आपको बता दूं कि हाथ छूना नहीं है लेकिन साथ छोड़ना भी नहीं है, ये कहावत इस वक्त बेहद सटीक बैठती नज़र आती है। हम फिर से लौटेंगे एक नई खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़। नमस्कार। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।